भारतीय राजनीति का चर्चित चेहरा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक आज सारा दिन खबरों में रहे। 22 फरवरी को दिन की शुरुआत सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के साथ शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक के खिलाफ एक्शन जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी सत्यपाल मलिक बीते कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में रहे। सत्यपाल मलिक की सियासी जिंदगी काफी दिलचस्प और फेर बदल वाली रही। एक नजर सत्यपाल मलिक के सियासी करियर पर। सत्यपाल मलिक के जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल रहते हुए ही 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया था। सत्यपाल मलिक बिहार, उड़ीसा, गोवा और मेघालय के गवर्नर भी रह चुके हैं। जाट परिवार से आने वाले सत्यपाल मलिक देश की राजनीति की लगभग हर विचारधारा के हिस्सेदार रहे, समाजवादी, कांग्रेसी, जनता दल और फिर बीजेपी। जाट किसान परिवार से आने वाले सत्यपाल मलिक की पैदाइश वेस्ट यूपी की। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर बतौर छात्र नेता अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले सत्यपाल मलिक ने 70 के दशक में कांग्रेस विरोध की बुनियाद पर यूपी में नई ताकत बनकर उभर रहे चौधरी चरण सिंह का हाथ पकड़ा। 1974 में चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल से सत्यपाल मलिक को बागपत से टिकट दिया और महज 28 साल की उम्र में सत्यपाल मलिक विधायक चुन लिए गए। 1980 में उन्हें लोक दल ने राज्यसभा भी भेजा। हालांकि सत्यपाल मलिक को जब यह एहसास हुआ कि चौधरी साहब का साथ उन्हें महज पश्चिमी यूपी की राजनीति तक ही सीमित रखेगा तो वे कांग्रेस विरोध छोड़कर कांग्रेस में ही शामिल हो गए। इसका उन्हें फायदा भी मिला। साल 1984 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा। हालांकि कुछ सालों के भीतर ही कांग्रेस का साथ छोड़कर सत्यपाल मलिक जनता दल में आ गए। इसके पीछे वजह बनी थी 1987 में हुआ बोफोर्स घोटाला। जनता दल में सत्यपाल मलिक सांसद बने और बीपी सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे। साल 1989 से 91 के बीच वो अलीगढ़ संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए। सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर दल बदला और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद उन्हें अलीगढ़ से चुनाव में हार भी मिली। 2004 में सत्यपाल मलिक ने चौथी बार पार्टी बदली। हालांकि 2004 में उन्हें बागपत से हार भी मिली, लेकिन गुजरते वक्त के साथ सत्यपाल मलिक का बीजेपी में कद बढ़ता गया। साल 2012 में उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद बतौर राज्यपाल भी सत्यपाल मलिक का करियर काफी लंबा रहा है। 2017 में उन्हें पहली बार बिहार का राज्यपाल बनाया गया। इसके बाद 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। सत्यपाल मलिक के कार्यकाल के दौरान ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 रद्द करने का फैसला किया गया था। इसके बाद 2019 में सत्यपाल मलिक को गोवा का राज्यपाल बनाया गया। 2020 में उन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। हालांकि इसके बाद सत्यपाल मलिक लगातार सरकार विरोधी बयानबाजी करते रहे। किसान आंदोलन के दौरान भी उनके कई बयानों पर काफी विवाद हुआ। हालांकि अभी हाल ही फिलहाल में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की थी। अब एक बार फिर सत्यपाल मलिक चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह बनी है सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी। सत्यपाल मलिक ने हालांकि छापों पर कहा है कि उनके यहाँ से 2-4 कुर्तों के अलावा सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सीबीआई की छापेमारी और जम्मू कश्मीर में कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार की जांच के कारण एक बार फिर सत्यपाल मलिक सियासी चर्चा में आ चुके हैं। देखना होगा कि सत्यपाल मलिक इस नई चुनौती से किस तरह निपटते हैं और इस जांच में वो बेदाग साबित हो पाते हैं या नहीं। इस तरह की तमाम खबरें, देश दुनिया की सारी वीडियोज के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ।